इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑफ एन इंट्रिंसिक या प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखिए कि कैरियर कंसंट्रेशन जो है ये इसको हम ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, यानी कि ये वो स्टेट्स होती हैं एनर्जी की जो डेफिनेटली फिल्ड होती हैं, यानी कि यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो सकते हैं। अगर कंडक्शन बैंड की बात हो रही है तो फिर ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर वैलेंस बैंड की बात हो रही है तो ये होल्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, बट मोर प्रिसाइजली कैरियर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज नॉर्मली अ कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन सर्टन पैरामीटर्स रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मटीरियल और इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो ये जो है डेफिनेटली अब एन, ये एक तो आपको जो भी अवेलेबल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं और साथ उनकी प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी, यानी कि जो आपको फर्मी फंक्शन अवेलेबल है जो ये बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एनर्जी स्टेट जो है वो ऑक्यूपाइड है, और इसको हम एक खास लिमिट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे तो ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ होगी, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें बैंड स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर का, तो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इधर से जो एनर्जी स्टेट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं ये इन्फिनिटी लेवल तक जा सकती हैं, और इधर से जो नीचे की तरफ जा रही हैं वैलेंस बैंड एज से वो माइनस इन्फिनिटी लेवल तक जा सकती हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हम इसको इसको हम डीकम्पोज कर लेते होते हैं नॉर्मली, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अगर फाइंड करें तो उसको हम समटाइम्स एन कहते हैं, और उसको हम यानी कि जो कंडक्शन बैंड एज है वहां से लेकर हम कंडक्शन बैंड एज से लेकर इसको इन्फिनिटी तक कैलकुलेट करेंगे, तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद जो ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट है ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम होल्स की बात कर रहे हैं, होल्स की बात करें तो होल्स के लिए हम पी का जो सिंबल है नोटेशन है वो यूज करते हैं, और उसमें हम इसको माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, और अपर लिमिट इसकी जो बैलेंस बैंड एज की होगी, और ये होल्स की डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पे होगी, और होल्स की प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो कंसिडर करते हैं। अच्छा, एक और चीज वो ये है कि समटाइम्स हम एनर्जी लेवल जीरो से लेकर इसको इन्फिनिटी तक हम इसको हाफ इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, हाफ इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम टू का सिंबल यूज नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल जो है ये जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं उनकी जो कैरियर कंसंट्रेशन है या ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन हम वक्तन फवक्तन ये जो लिमिट्स है ना इनको हम चेंज करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्शन बैंड में होंगे सेमीकंडक्टर के, और वहाँ पर ये ई सी से इन्फिनिटी तक और होगी, और यहाँ पर ये ई वी माइनस इन्फिनिटी से ई वी तक होगी अगर होल्स की बात हो रही है। तो कैरियर कंसनट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड एज एन, एंड कैरियर कंसनट्रेशन फॉर होल्स इज डिनोटेड एज पी। अच्छा, अभी हम फिलहाल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करेंगे। तो हम ये जो कैरियर कंसंट्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कर रहे हैं। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी होती हैं जिसमें स्पीशीज आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं और वहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन होती है, लेकिन ये वो है जहाँ पर स्पीशीज आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो अगर स्पीशीज इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त जो फर्मी फंक्शन है उसको एफ नॉट ई भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये थर्मली स्पीशीज आपस में इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं एक दूसरे के साथ, और अगर मैं एफ ई की बात करूं तो इट मींस कि दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इन पर्टिकुलर हम नॉर्मली जो डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं या हम
कैरियर कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं, हम थर्मल इक्विलिब्रियम के लिहाज से करते हैं और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो जब हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन या टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसिडर कर सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस हो सकता है वहाँ पर, और जब ये सारी स्पीशीज आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है और वहाँ पर कोई थर्मल वेरिएशंस मौजूद नहीं है। तो उस वक्त जो फर्मी फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी एफ नॉट ई, उस वक्त उसकी वैल्यू होगी, उसको हम एफ नॉट ई होगा तो वही फर्मी फंक्शन जो उसकी वैल्यू है जो उसका फॉर्मूला है, बट इसको हम एफ नॉट ई कह देते हैं विच रिप्रेजेंट्स थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एफ नॉट ई जो है इसको हम वी कैन कॉल इट वन ओवर ई टू द पावर ई माइनस ई एफ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस वन। ओके, और जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है फॉर बल्क मटेरियल उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है अंडर रूट टू एम थ्री बाय टू ओवर दैट इज पाई स्क्वायर एच कट क्यूब, और यहाँ पर हम इसको ले आते हैं दैट इज ई माइनस ई सी, क्योंकि जो भी वैल्यू कंडक्शन बैंड के अंदर ई की होगी वो इस कंडक्शन बैंड एच से तो ऊपर ही होगी, तो इट मीन्स के ये आपका जो अलजेब्रिक सम है ये ई माइनस ई सी के बराबर होगा। तो इन दोनों को हम जो कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है एफ नॉट ई की वैल्यू और जी ई की वैल्यू इनको हम प्लग इन कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो हम कैरियर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे उस सूरत में। तो इट मींस के जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम बाहर ले आते हैं, इट इज पाई स्क्वायर एच कट क्यूब, और यहाँ पर को हम अगर कंडक्शन बैंड रिगार्डलेस ऑफ कंडक्शन बैंड यस फॉर कंडक्शन बैंड द लोअर लिमिट इज ई सी एंड द अपर लिमिट इज अप टू इंफिनिटी। अच्छा, जो वेरिएबल है वो ये है ई माइनस ई सी, और दूसरी जानब यहाँ पर जो फर्मी फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस वन, और ये सारा कुछ इंटीग्रेट हो रहा है डी ई लिमिट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हम ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, और हम ये कहेंगे कि जब रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर, तो व्हेन टेम्परेचर इज नियरली 300 केल्विन यानी रूम या 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट दैट वैल्यू ये जो थर्मोडाइनमिकल एनर्जी होती है उस वक्त सिस्टम के पास वो तकरीबन 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लाजमी होती है ये, और ये 0.0 इसे थर्मल वोल्टेज भी कहते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे वहाँ पर थर्मल वोल्टेज कहलाती है, लेकिन नेचुरली इतनी सी एनर्जी जो है ना ये वहाँ पर मौजूद होती है सिस्टम के अंदर, तो ये 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ओके, तो और जो तमाम बाकी एनर्जीज हैं यानी कि जो भी एनर्जी है वो कम अज़ कम इतनी लिमिट उसकी होगी, और बाकी एनर्जीज जो भी एनर्जी लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा होगी आमतौर पे, तो ये आपको पता है कि ये ई माइनस ई एफ जो फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये कम से कम 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होगा, और ये दैट इज ये लोएस्ट वैल्यू है जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। ओके, तो इट मीन्स कि अगर ये वाली कंडीशन हम लगाएं ना एक्सपोनेंशियल के ऊपर, ये वैल्यू जो है ये काफ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये वन के मुकाबले में ये जो टर्म आ रही है ना, वन को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि ये टर्म इसका आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो वन कैन बी इग्नोर्ड, तो इट मींस के अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं ई माइनस ई एफ
ओवर के बी प्लस वन जो है ये रिड्यूस कर जाएगी, वन जो है उसको इग्नोर कर दिया, तो ये सिर्फ ये बन जाएगी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो उसको के बी या के टी सिंपल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है उसके अंदर हम इसको अगर प्लग इन कर दें तो ये हो जाएगी अंडर रूट टू एम थ्री बाई टू ओवर पाई स्क्वायर एच कट क्यूब ई सी अप टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू हो गई ई माइनस ई सी वन बाई टू, और ये इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ इस तरह से। एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल बन जाएगा ई माइनस ई एफ ओवर के टी, और ये सारी इंटीग्रेशन हो रही है डी ई के ऊपर। अब इस इंटीग्रल के ऊपर फोकस करते हैं, ये जो इंटीग्रल है इसको हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स तो उसी तरह ही रहे। अच्छा, ये है e माइनस ई सी और ये है e माइनस ई एफ, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ इस तरह की चेंजिंग करते हैं कि हमें e माइनस ई सी यहाँ भी मिल जाए ताकि हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकें प्रॉपरली। तो इसको करने के लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, और वो ये है कि हम इस ये जो सम है ना e माइनस ई एफ, इसमें ई सी प्लस भी कर देंगे और हम ई सी माइनस भी कर देंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास आप देखें कि ये दो दो का अलजेब्रिक सम बनता है, यानी कि हम इसको दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट वुड बी ई माइनस ई सी ई। अच्छा, अब हमें चाहिए e माइनस ई सी, तो वो हमें यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ हमें मिल रहा है e माइनस ई सी, यानी ये वन और फोर्थ वैल्यू अगर मिलाते हैं, और एक और एक्सपोनेंशियल इसमें से निकाल लेते हैं माइनस के साथ ही है, और वो ई सी माइनस ई एफ हम उसको ले लेते हैं, और ये हो जाएगा इसमें भी के बी टी की वैल्यू, के टी की वैल्यू आ रही है, इसमें भी के टी की वैल्यू आ रही है, और इसको हम डी ई लिख लेते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से हो गया। अब ये जो सेकेंड एक्सपोनेंशियल है ना, इसमें दोनों एनर्जी वैल्यूज कांस्टेंट आ गई हैं, ई सी बैंड एज भी कांस्टेंट होता है और फर्मी लेवल भी कांस्टेंट होता है, और इसका हम पीछे जो नेगेटिव साइन है ना उसको भी अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इस सारे को हम कांस्टेंट बनाकर बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरह से हम करेंगे ये आप देखिए, अब मैं कांस्टेंट्स को रिप्रोड्यूस करती हूँ, अंडर रूट टू थ्री बाई टू पाई स्क्वायर एच कट क्यू ई। अच्छा, ये अगर मैं इसका माइनस अंदर ले जाऊं तो ये ई एफ माइनस ई सी बनेगा, और समटाइम्स हम ये जो ई सी की जगह कोई भी इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, और ये हमारा बनेगा इंटीग्रल, दैट इंटीग्रल वुड बी इक्वल टू ई माइनस ई सी वन बाई टू और ई टू द पावर ई माइनस ई सी ओवर, अच्छा इधर भी के बी टी आ गया या के टी आ गया, के टी आ गया, और इसको हम डी ई कह देते हैं। ये मैंने अब डेरिवेशन के अंदर ये जो सबस्क्रिप्ट है बी का ये इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है फॉर सिंप्लिसिटी, तो ये के टी बन गया। अच्छा, अब ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये जो इंटीग्रल है इसको इसको अब हम इसमें बल्कि पहले इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें, इसमें जो वैल्यू है ई माइनस ई सी ओवर के टी इसको हम कह देते हैं एक्स, तो फिर e माइनस ई सी
e minus e c would be equal to k t x, और अगर मैं इसका d e की वैल्यू लेके आऊं तो वो k t d x हो जाएगी. अच्छा, और यहाँ से मैं एक और चीज भी कंसीडर कर सकती हूँ, और वो ये कि अगर मैंने e माइनस ई सी का अंडर रूट लेना है तो वो भी हो जाएगा के टी एक्स अंडर रूट फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये मैं, ये जो हमारी कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देते हैं. तो उसमें पुट करने से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट टू एम स्टैरिक थ्री बाई टू ओवर पाई स्क्वायर एच कट क्यूब ई ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी. अच्छा, जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे, तो लिमिट्स जब चेंज करेंगे तो जब ई सी जो है वो इन्फिनिटी होगा, जब ई सी इन्फिनिटी होगा उस वक्त x जो है, जब e c के इक्वल होगा, जब e जो है वो इक्वल टू e c होगा तो उस वक्त x जो है वो जीरो हो जाएगा, और जब e जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा जैसा कि ये अपर लिमिट हमने पुट की है तो उस वक्त x भी इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी इंटीग्रल की जो लिमिट्स है ना वो जीरो से इन्फिनिटी हो गई, और ये हो गया के टी वन बाई टू या अंडर रूट एक्स वन बाई टू और ई माइनस एक्स के टी एक दफा और आ गया और डी एक्स यहाँ पर आ गया. अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इसमें से के टी को तो कांस्टेंट बनाकर हम बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट टू, और के टी है अब थ्री बाई टू के इक्वल ऊपर आ रहा है, इसी तरह ये फैक्टर भी थ्री बाई टू के इक्वल आ रहा है, और ये नीचे पाई स्क्वायर आ गया है, एच कट क्यूब आ गया है, ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी ये आ गया है. और इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, इंटीग्रल को देखें, तो ये अब सिर्फ इन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसको इसको मैथमेटिकली इसका आंसर होता है अंडर रूट पाई ओवर टू. अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट हम इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. अच्छा, इंटीग्रल की वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट करें हम तो दैट वुड बी n is equal to under root 2 ktm 3 by 2 e ef minus ec over kt over pi square h cut cube under root pi over 2. अच्छा, पाई को हैंडल करने के लिए हम एच जो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है उसको हम प्लैंक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं. सो एच कट क्यूब वुड बी इक्वल टू एच क्यूब ओवर ए पाई क्यूब. तो इस वैल्यू को प्लग इन अगर हम करें तो कांस्टेंट्स को हम थोड़ा और सूटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसमें आ जाएगा एट पाई क्यूब ऊपर आ गया, अंडर रूट टू भी ऊपर आ गया, के टी एम स्टेरिक यानी कि इफेक्टिव मास और ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी. अच्छा, और ये जो यहाँ पर हमें एक पाई और मिल रहा था और एक पाई हमें नीचे मिल रहा था पाई स्क्वायर, और ये एच क्यूब की फॉर्म में आ गया. ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया.
ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें मिलेगा टू। इसको अगर आप देखें तो ये टू का क्यूब है, तो ये टू टू दी पावर टू, और इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, और के टी थ्री बाई टू, और ये जो पाई है ये भी हमारा पाई भी इसमें चला गया क्योंकि पाई की वन बाई टू और पाई वन, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, ये हो जाएगा थ्री बाई टू। अच्छा, और इधर एक टू नीचे आ रहा था, जो इंटीग्रल की वैल्यू थी वो यहाँ पर जनरेट हो रही थी, तो ये एक टू तो इससे हो जाएगा कैंसल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रादर टू एच क्यूब, ये टू इस टू से हो गया कैंसल, और ये टू की वैल्यू भी बन गई थ्री बाई टू, ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी, तो n would be equal to 2 into 2 KTM pi 3 by 2 over h cube e to the power EF minus EC over KT। अच्छा, ये जो फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो रहा ना कैरियर कंसंट्रेशन में, ये वाला, इसको नॉर्मली हम NC का नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन कंडक्शन बैंड, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है, और ये जो सारी वैल्यूज हैं ये सारी ये ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट है, यानी ये ऑक्यूपाइड डेंसिटी ऑफ स्टेट है, जो कि वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है जो बेसिकली यहाँ पर तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं, अदरवाइज इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका नाम हमने एनसी रखा, और इसको इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट कहा गया है लिटरेचर में, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये अगर हम इसको सिलिकॉन के लिए देखें तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर सिलिकॉन एन सी की वैल्यू होगी 2.8 इंटू 10^25, और यहाँ पर टी ओवर 300 3 बाई टू पर मीटर क्यूब, इसके जो यूनिट्स हैं ना वो पर मीटर क्यूब के होते हैं क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है, तो ये सिलिकॉन के लिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कांस्टेंट हर सेमीकंडक्टर का डिफरेंट होता है और उसको इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। आप इसकी वैल्यू डालकर कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, कोई भी एनर्जी लेवल आपको, और ये बल्कि एनर्जी लेवल यहाँ पर कांस्टेंट है, आपने जस्ट टेम्परेचर के साथ इसको देखना है एनर्जी लेवल, क्योंकि ई एफ भी कॉन्स्टेंट होगा, ई सी भी कॉन्स्टेंट होगा, अनलेस कि आप इसके अंदर कुछ डोप कर रहे हैं, कुछ डोपिंग की वजह से इनकी ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और अकॉर्डिंगली आप इसकी कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम ये कैरियर कंसंट्रेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि कैरियर कंसंट्रेशन पी को फाइंड करें, कैरियर कंसंट्रेशन फॉर होल्स, यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन फॉर होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो ये पी होगा, इसको हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू पी एंड पी को हम लिख सकते हैं ये लोअर लेवल इसका जो है वो माइनस इन्फिनिटी होगा और अपर लेवल होगा ई वी, और जी ऑफ ई यानी कि डेंसिटी ऑफ होल्स की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर होल्स, और एफ नॉट ई होगा। एफ नॉट ई जो है ना उसको बड़े ध्यान से अब हमने देखना है, ये जो एफ नॉट ई होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी, ये कंडक्शन बैंड के लिए ना माइनस एफ नॉट ई होता है, यानी कि
वन होती है ना प्रोबेबिलिटी, उसमें से आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं, जो बाकी बचेगी वो होल्स की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली एफ ऑफ ई, एफ नॉट ई को एफ ऑफ ई हम कह देते हैं, चले ठीक है, और फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो उस केस में ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर हम फर्मी फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई माइनस ईएफ ओवर के टी, माइनस नहीं आता यहाँ पे, प्लस वन। और इस सारे को अगर हम अगर हम सॉल्व करें तो दैट वुड बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ई टू द पावर ई एफ ओवर ओवर के टी, ओवर ई ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस वन। अब होता ये है कि जब हम कंडक्शन बैंड की, वैलेंस बैंड की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये जो कंसर्न एनर्जी लेवल होता है ना, ये फर्मी लेवल से होता है नीचे, क्योंकि वैलेंस बैंड एज नीचे होता है, ये ई एफ है और ये ई वी है, और जो भी कंसर्न एनर्जी लेवल है वो नीचे होगा इसके। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव, इस टर्म का आंसर आ जाएगा नेगेटिव, और ये बहुत छोटी हो जाएगी और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इट कैन बी इग्नोर्ड। ये तकरीबन जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी सिर्फ वन के बराबर। तो इसका मतलब है कि इस पूरे का आंसर बचेगा ये, यानी कि फर्मी फंक्शन जो होल्स के लिए होता है ना वो ये होता है। अब हम इसको प्लग इन कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं कैरियर कंसंट्रेशन के फार्मूले में, कैरियर कंसंट्रेशन के फार्मूले में। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख दूँ, जो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी फॉर थ्री डायमेंशनल केस वो अंडर रूट टू एम थ्री बाई टू ओवर पाई स्क्वायर एच कट क्यूब ई वी माइनस ई वन बाई टू के बराबर होगी, क्योंकि ई वी बड़ा है ऊपर है और ई नीचे है। कंडक्शन बैंड के लिए ये ई माइनस ई सी था, यहाँ पे ये ई वी माइनस ई के बराबर है। तो इट मीन्स के अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो, लिमिट्स भी मैंने आपको बता दी कि लिमिट्स जो हैं वो माइनस इन्फिनिटी से ई वी के बराबर होंगी, और इसको हम लिखेंगे अंडर रूट टू थ्री बाई टू ओवर पाई स्क्वायर एच कट क्यूब ई वी माइनस ई इंटू E, जो फर्मी फंक्शन की वैल्यू है वो ये होगी ओवर के टी डी ई। इस फॉर्मूले को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, बल्कि दैट इज इक्वल टू पी, तो आपके पास जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं फॉर होल्स वो आपको न्यूमेरिकली आप उसको ऑब्टेन करेंगे, और उसकी वैल्यू होगी पी फॉर होल्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू, यहाँ पर हम इसको सारे को सॉल्व करके लिख रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, टू पाई एम पी इफेक्टिव मास के टी ओवर एच स्क्वायर थ्री बाई टू, और ई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद माइनस ई एफ माइनस ई वी, इसमें आप देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आ रहा है ओवर के टी, उसमें पॉजिटिव आ रहा था, और ये जो कांस्टेंट है ये इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, इसको एन वी कहा जाता है वैलेंस बैंड का, यानी कि इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर होल्स जो है वो होती है टू पाई एम पी, यानी इफेक्टिव मास ऑफ होल्स के टी ओवर एच स्क्वायर। और सिलिकॉन के लिए अगर हम देखें, लिटरेचर में डिफरेंट होती हैं ये डिफरेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, फॉर सिलिकॉन इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर सिलिकॉन एन would be equal to 2.8 into 10 is to power 25 minus 300
टी ओवर 300 3/2 पर मीटर क्यूब।